हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आज के युग में लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा रहना भी अत्यंत आवश्यक है। हम जिस धर्म में जन्मे हैं उसकी पूजा पद्धति कैसी है, मंदिर में जाने के बाद भगवान को प्रणाम कैसे करें, मंदिर कैसे बैठे, यह प्राथमिक जानकारी जरूरी है। ग्रेट नाग रोड महावीर नगर स्थित श्री सैतवाल जैन संगठन मंडल ने यह कदम उठाया है। श्री सैतवाल जैन संगठन मंडल के अंतर्गत श्री महावीर दिगम्बर जैन मंदिर है। मंडल के अध्यक्ष चंद्रकांत विखंडे के मार्गदर्शन में बच्चों को अभिषेक पूजन की विधि, कैसे अभिषेक करें, धार्मिक ज्ञान सप्ताह में एक दिन प्रति रविवार को सुबह सिखाया जाता है। पंडित अजीत कहाते, विजय सोइतकर, प्रदीप काटोलकर बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। रविवार की सुबह बच्चों के मंदिर परिसर में प्रवेश करने के बाद उन्हें जल से हाथ पांव धोना, मुख शुद्धि के बाद शुद्ध वस्त्र पहनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बालकों को धोती पहनाना सिखाया जाता है। अभिषेक विधि, शुद्ध मंत्रोच्चार, भगवान की प्रतिमा को कैसे स्थापित करना, अभिषेक करते वक्त कलश को कैसे पकड़ना, भगवान की प्रतिमा के ऊपर जलधारा पंचामृत अभिषेक, शांति मंत्र पूरी तन्मयता से कैसे पढ़ना, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महामेट्रो की ओर से मेट्रो रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी फीडर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी तथा अन्य यात्रियों के लिए पंसी नगर से ईसा सनी के लिए फीडर बस सेवा में वृद्धि की गई है। सेवा सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर रात 8:40 तक प्रत्येक 20-30 मिनट के अंतराल में जारी है। विशेषकर विद्यार्थियों को इस बस सेवा का लाभ मिल रहा है। बंसी नगर के ईसा सनी फीडर बस सेवा शुरू होने से रायसोनी अभियंत्रिकी महाविद्यालय, प्रियदर्शनी अभियंत्रिकी महाविद्यालय और लता मंगेशकर हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और स्टाफ फीडर बस सेवा से जुड़ गए हैं। बंसीनगर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होने वाली बस 20 मिनट के अंतराल में ईसा सनी पहुंचकर वहां से सुबह 6:40 से बंसीनगर के लिए रवाना होती है। सुबह से ही फीडर बस सेवा उपलब्ध होने से ईसा सनी तथा आसपास के ग्रामीण अंचल के नागरिक, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और विद्यार्थी सीधे बंसीनगर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मेट्रो से गंतव्य स्थानों पर आसानी से पहुंच रहे हैं। लोकमान्य नगर क्षेत्र के नागरिकों को भी इस सेवा का लाभ मिल रहा है। खापरी मेट्रो स्टेशन से मिहान के बीच फीडर सेवा भी उपलब्ध है। प्रतिष्ठित सेवाभावी संस्था लायंस क्लब ने अपनी सेवा कार्य के अंतर्गत बहादुरा स्थित उज्जवल गोरक्षण में भीषण गर्मी से बचने एवं गौ सेवा हेतु 25,000 रूपए मूल्य के 23 सीलिंग फैन भेंट किए। लायंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य रमेश जसोरी, लॉयन राजेश जिंदल, लॉयन गिरीश व्यास, अध्यक्ष लॉयन उमेश महतो, सचिव निधि सावरकर, लॉयन विनोद गुप्ता, लॉयन डॉक्टर महेश तिवारी, लॉयन नरेश दुमानी की उपस्थिति में उज्जवल गोरक्षण के प्रमुख महेंद्र कटारिया को गौ सेवा हेतु सुपर्द किया गया। गौ सेवा हेतु लायंस क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों को महेंद्र कटारिया ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की एवं उन्होंने लायंस के माध्यम से अपील की कि गौ सेवा हेतु चारे की किल्लत बहुत आ रही है, इस बारे में भी मदद जन भागीदारी से करने लोगों को करनी चाहिए। इस कार्य के लिए लायन एवं पूर्व विधायक गिरीश व्यास, लायन किशोर, लायन ज्योति गुप्ता, लायन रजनीश जैन, लायन नंद किशोर अग्रवाल, लायन नरेंद्र कौशिक, लायन शरद जेजानी, लायन राजेश जिंदल, लायन उमेश महतो, लायन निधि सावरकर, लायन नितिन वर्मा, लायन डॉक्टर महेश तिवारी और लायन रजनीश जैन आदि ने सहयोग किया। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश जिंदल एवं लायन किशोर थे। महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोनारा नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, डॉक्टर M.S. राजन, डॉक्टर रवि कलसाइत, मदन कड़वी, सागर ठाकरे, बीना जॉय, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिकले, डॉक्टर यास्मीन सिद्दकी, तुषार मेश्राम, रिजवान अली, स्वाति बोधनकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए की गई। पूरा देश हर साल 14 अप्रैल को उन्हें उनकी जयंती पर याद करता है। विशेष तौर पर दलित संप्रदाय उनका योगदान कभी नहीं भूल सकता। छात्रों ने भाषण, काव्य तथा विभिन्न स्पर्धाओं द्वारा उन्हें याद किया। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने भाषण में कहा कि भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आरक्षण द्वारा कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया तथा उनके उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने अपने समर्थकों को शिक्षित बनो,
संगठित हो, संघर्ष करो यह संदेश दिया। उन्हें दिल से सम्मान देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्ग और सिद्धांतों का पालन करें। डॉक्टर एस एम राजन ने भी डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। वाड़ी 10 नंबर नाके से गजानन सोसाइटी तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन वाड़ी श्रीराम जन्मोत्सव मंडल द्वारा किया गया। ढाबा रोड एसपी मोटर के सामने श्री राजपूत कन्या सेना के हिंगना विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत द्वारा पुष्प वर्षा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल थे। उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह, जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला, श्री राजपूत कन्या सेना के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह, शहर अध्यक्ष संदीप सिंह, उत्तर भारतीय सभा के वाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने शोभा यात्रियों का स्वागत किया। इन आयोजनों में श्री राजपूत कर्णी सेना के वाड़ी अध्यक्ष मुकेश सिंह, जय सिंह राजपूत, कैलाश शर्मा, मान सिंह, योगेश गुड्डू सिंह राजपूत, जय सिंह, शुभम सिंह राजपूत, गोलू राजपूत, दयाशंकर मौर्य, सुधीर सिंह, टीपी तिवारी, अमरीश शर्मा, अमरीश दुबे, एच एन तिवारी, नवनीत सोंगड़े, आशु पुरीकर, अखिलेश ठाकुर, साहिल पाठी, सत्यम राजपूत, वकील विश्वकर्मा, सुमित राजपूत, निहाल राजपूत, हर्ष सिंह, सचिन राउत, विवेक बुजाड़े ने भरपूर सहयोग किया। विश्व क्षय रोग दिन के उपलक्ष्य में प्रभाग 8 के नगर सेवक व संजय गांधी निराधार योजना मध्य नागपुर के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद भुट्टो के नेतृत्व में क्षय रोग दूरीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षय रोग को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागृति अभियान चलाया गया। इस अवसर पर आरोग्य विभाग नागपुर महानगर पालिका के सौजन्य से आरोग्य विभाग मनपा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शीतल और मनपा का हेल्थ स्टाफ तथा मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ तथा क्षेत्र के नागरिकों ने जन जागरण अभियान में हिस्सा लिया। भुट्टो ने भी नागरिकों से अपील की कि टीबी जैसी घातक व जानलेवा बीमारी से समय रहते हुए लड़ना है, उससे डरना नहीं है। इसलिए जो नागरिक इस बीमारी से ग्रस्त है उन्हें जल्द से जल्द अपनी बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग मनपा के अधिकारियों से संपर्क करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। रेल प्रशासन द्वारा रेलवे हादसों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश भर में बड़े पैमाने पर फुटओवर ब्रिज व रोड अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पटरियां न पार करनी पड़े। वहीं देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से पटरी पार करने वालों को पकड़ा जा रहा है। कुछ मिनट बचाने के लिए यात्रीगण फुटओवर ब्रिज नहीं चढ़ते हैं और आलस के चलते एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने पर जान माल की हानि हो सकती है। ज्ञात हो कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की सबसे अधिक मौत होती है। हाल ही में वाल्टेयर मंडल में 5 यात्रियों द्वारा गाड़ी 12515 की राह में रेलवे लाइन पार करते समय सभी की मौत हो गई। इसलिए रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अनाधिकृत रूप से पटरी पार न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अनाधिकृत रूप से रेलवे की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है, रेल अधिकारियों ने कहा। देश में अनेक बड़े विदेशी और देशी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा की जा रही ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा ड्रग एवं कॉस्मेटिक कानून की लगातार अवहेलना करते हुए आपूर्ति की जा रही दवाइयों ने न केवल देश के करोड़ों थोक और खुदरा केमिस्टों के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरे में डाला जा रहा है। इस मुद्दे पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से महत्वपूर्ण मुद्दे को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेने का आग्रह किया है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कैट ने मई 2022 के पहले सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख केमिस्ट एसोसिएशनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सम्मेलन इस मुद्दे पर भविष्य की कार्रवाई तय करेगा और इस बीच कैट का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन किया और संगठन के आगे की योजनाओं की जानकारी दी।
यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3484 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,05,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 20 मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 78,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आवाहन किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। भंडारा रोड पूर्व वर्धमान नगर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में 16 को हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। सुबह 4:15 को महाअभिषेक होगा। सुबह 6 जन्मोत्सव की महाआरती प्रारंभ होगी। सुबह 7 श्री हनुमान मनोकामना ध्वज यात्रा और अंत में शाम 7 से संगीत में सुंदरकांड पाठ रहेगा। वहीं 17 अप्रैल को शाम 5 आरती, शाम 6 से महाप्रसाद वितरण शुरू होगा। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम की जानकारी मंदिर ट्रस्ट सचिव श्री सत्यनारायण एवं कार्यक्रम के संयोजक अशोक हाड़ा ने दी है। विदर्भ के 13,00,000 व्यापारियों की अग्रणी एवं शीर्ष संस्था नाग विदर्भ ऑफ चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मोहड़िया के साथ प्रतिनिधि मंडल ने नागपुर के भूमि लेखा अधीक्षक गजानन दाबेराव को आम लोगों को जमीन संबंधी मोजमाप फेरफार नाम दर्ज कराने में आ रही समस्याओं हेतु निवेदन दिया। इस ज्ञापन में अध्यक्ष अश्विन मोहड़िया ने बताया कि नागपुर के लोगों को जमीन मोजमाप फेरफार नाम दर्ज करने आदि काम कार्यालय द्वारा दिए गए समय पर पूर्ण नहीं होते हैं और उन्हें काफी दिनों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे नागरिकों को जमीन खरीदी बिक्री के कार्यों का पूरा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने गजानन दाबेराव से निवेदन किया कि आपके नेतृत्व में विभाग द्वारा इन समस्याओं का संज्ञान लेकर इनके निराकरण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग काफी समय तक लंबित जमीन संबंधी फेरफार नाम दर्ज करने मोजबाप के कार्य से जल्द निपट सकेंगे एवं इससे सरकारी रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। गजानन दाबेराव ने ज्ञापन का संज्ञान लेकर नगर भूमापन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए और उन्होंने इस विषय में चैम्बर में शिविर आयोजित करने की इच्छा जताई, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर महाल क्षय रोग केंद्र द्वारा आयोजित क्षय रोग पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में सेंट जॉन स्कूल के हिरण्या मेश्राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महल स्थित क्षय रोग केंद्र में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सीपीएन बिरार विद्यालय के मुख्याध्यापिका दहीकर, ममता स्वयं सेवी संस्था के राज्य समन्वयक पल्लवी भिंडारकर, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की क्षय रोग टीम के वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक नंदकिशोर आदि उपस्थित थे। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर महाल क्षय रोग केंद्र द्वारा 10 विद्यालयों में टीबी पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हिरण्या मेश्राम ने प्रथम, आदर्श विद्या मंदिर के साहिल बुरबांडे ने द्वितीय और रमेश चांडक स्कूल के रुद्र बांगरे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आदर्श विद्या मंदिर के राजेश गंगोत्री, सेंट जॉन स्कूल के समीक्षा शुक्ला और सिपेन बिरार स्कूल के मंथन मुखोड़ को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। ममता इंस्टीट्यूट मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर द्वारा तपेदिक जागरूकता पर एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक नंदकिशोर भिवगड़े ने उपस्थित सभी छात्रों, अभिभावकों एवं कर्मचारियों को टीबी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीबीआई और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सतर्कता प्रकोष्ठ की एक संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ईपीएफओ के 2 कार्यालयों की तलाशी ली। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायत के बाद की गई है। एक अधिकारी के मुताबिक नागपुर में केंद्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और मुंबई से ईपीएफओ की सतर्कता टीम ने मंगलवार सुबह राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज चौक व उमरेट रोड स्थित ईपीएफओ कार्यालय में तलाशी शुरू की थी, जो देर रात तक जारी रही। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अपराध की ओर इशारा करने वाले कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में फाइलों और भविष्य निधि प्रविष्टियों की जांच की गई। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंधन अधिनियम के तहत जिन कंपनियों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उनके लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होना अनिवार्य है। तलाशी लेने वाली टीम ने मंगलवार को पाया कि ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों ने 40 से 50 कर्मचारियों वाले स्कूलों और निजी कंपनियों को पीएफ दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
आज के जीवन में भी भगवान महावीर द्वारा प्रस्थापित जैन धर्म की शिक्षा प्रासंगिक है। जैन धर्म के विश्व वंदनीय 24वें तीर्थकार भगवान महावीर तथा सभी तीर्थकारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म की शिक्षाएं आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रासंगिक है। भगवान महावीर के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे जिया जाए। विश्व का यही एकमात्र धर्म है जो हमें अहिंसा व सत्य के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही सात्विक जीवन हेतु शुद्ध शाकाहार को अपनाने की बात भी कही गई है। जैन धर्म के 24 तीर्थकार हैं, जिनमें भगवान महावीर की शिक्षा तथा उनके सिद्धांतों का आज हर जैन गैर जैन परिवार में प्रचार प्रसार देखा जा सकता है। आज के भौतिक युग में जहां युद्ध आतंकवाद प्रतिस्पर्धा व स्वार्थ का वर्चस्व नजर आ रहा है, वहीं भगवान महावीर की शिक्षाओं पर अगर अमल किया जाए तो पूरे विश्व में अमन चैन खुशहाली व शांति का साम्राज्य निर्माण हो सकता है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें जीव दया शाकाहार व अहिंसा को अधिक महत्व दिया गया है। इसके साथ ही सात्विक जीवन हेतु शुद्ध शाकाहार को अपनाने की बात की गई है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है। भगवान महावीर की शिक्षा तथा उनके सिद्धांतों का आज हर जैन गैर जैन परिवारों में प्रचार प्रसार देखा जा सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चले और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जैन धर्म की शिक्षाओं का ही असर है कि विश्व के अनेक देश एवं समुदाय शांति के लिए अहिंसा को अपना रहे हैं। 24वें तीर्थकार भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म की अहिंसा में सत्य की खोज एक मुख्य भूमिका लिए हुए है। अनेकांतवाद उस सत्य की खोज करता है और हर साधक को यथार्थ तत्वधान तक पहुँचा देता है। जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा। इसे अपनाकर हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जैन धर्म संसार का सर्वाधिक प्राचीन धर्म है और इस धर्म को मानने वाले आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आज के भौतिक युग में जहां युद्ध आतंकवाद प्रतिस्पर्धा व स्वार्थ का वर्चस्व नजर आ रहा है, वहीं भगवान महावीर की शिक्षाओं पर अगर अमल किया जाए तो पूरे विश्व में अमन चैन खुशहाली व शांति का साम्राज्य निर्माण हो सकता है। गांधी जी ने धर्म के नाम पर अहिंसा और सत्य को ही सर्वाधिक महत्व दिया था और दोनों को ही एक सिक्के के दो पहलू बताए थे। आज के इस तनावग्रस्त तथा भौतिकवादी सोच के लिए मानव को अगर राहत व वास्तविक शांति चाहिए तो उसे भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलना होगा। सत्य की सदा जीत होती है। शाकाहार तथा सदाचार को अपनाकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करें। हमें अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। याद रखें कि हमारा हर कार्य व व्यवहार सिर्फ सत्य पर आश्रित होना चाहिए, क्योंकि झूठ का व्यवहार हमें पतन के मार्ग पर ही ले जाता है। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए तथा समाधान के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। भगवान महावीर के सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। आत्मिक समानता की अनुभूति के बिना अहिंसा महत्वहीन है। समाज की विफलता ही विषमता में छुपी हुई है। उनका अन्य सिद्धांत है आत्मनिर्णय का अधिकार। जहाँ आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं होता, वह उसका कर्तव्य ही कुंठित हो जाता है। भगवान महावीर का एक सिद्धांत है आत्मनुशासन। अपने शरीर व वाणी पर नियंत्रण के लिए आत्मनुशासन बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानव को परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। भगवान महावीर के बताए मार्ग तथा उनके विचारों एवं सिद्धांतों के पालन से मानव का न केवल नैतिक बल्कि आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। हर मानव में परमात्मा बनने की क्षमता है। जरूरत है उस क्षमता को पहचानने की और उसे जगाने की। जैन धर्म की दृष्टि से आत्माएं अनंत है और वे अलग अलग है। आज के युग में भगवान महावीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों को अपनाकर हर मानव अपना जीवन सफल कर सकता है। अपनाए जियो और जीने दो का सिद्धांत जैन धर्म के पूज्य तीर्थकार व विश्व वंदनीय भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जीवन की हर सांस व भक्तों के विश्वास में वे छाए हैं। आप भी प्रेम व प्यार से जिए और अन्य लोग भी जिए, यही सिद्धांत तो श्री महावीर स्वामी का है। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा में जहाँ अहिंसा व शुद्ध शाकाहार को अपनाने की बात कही गई है, वही जियो और जीने दो का सिद्धांत आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है। नव निर्माण के लिए पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार आवश्यक है। स्वार्थ ने इंसान को अंधा कर दिया है। परिवारों में धार्मिक वातावरण पर पश्चिमी सभ्यता ने मानो आक्रमण ही कर दिया है। हर मनुष्य के पास शक्ति व ऊर्जा है। इस शक्ति को दो आयाम हो सकते हैं, पहला जनात्मक व दूसरा विध्वंसात्मक।
जैन धर्म यथार्थ तत्वधान सिखाता है। संपूर्ण विश्व में जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें अहिंसा में सत्य की खोज एक मुख्य भूमिका लिए हुए है। अनेक आतंकवाद उस सत्य की खोज करता है और यथार्थ तत्वधान तक पहुंचा देता है। विशेष बात यह है कि जैन धर्म में व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, यहाँ सद्गुणों की पूजा की जाती है। जैन धर्म की व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि उसे नमस्कार किया गया जो अहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो और साधु हो। समानता, प्राथमिक और उधारता उसके ही अंग प्रत्यंग, इनसे ही धार्मिक कट्टरता जैसे विभेदक तत्वों से बचा जा सकता है और सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रस्थापित किया जा सकता है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।